हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। लेके आके फिर से एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको हायर कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। ये कंपनी न्यू कंपनी, ठीक है, न्यू प्लांट बैठी है ग्रेटर नोएडा में। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ किस कंपनी में वैकेंसी चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये कंपनी ग्रेटर नोएडा में है कहाँ पे, फुल डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ, फुल एड्रेस बताने वाला हूँ कि कंपनी है कहाँ पे, कैसे आपको इस कंपनी के गेट तक पहुँचना है, क्या क्या जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले ये आप जान लीजिए, ठीक है, हायर कंपनी कहाँ पे है इसकी पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। हायर कंपनी में काम क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। हायर कंपनी में 8 घंटे की सैलरी आपको क्या दी जाती है, ठीक है। इस कंपनी में वैकेंसी चल रहा है या नहीं चल रहा है पूरी डिटेल के साथ मैं बताने वाला हूँ। इस कंपनी में जॉब करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कब और कैसे कितने बजे आना है, ठीक है, पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल में पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हायर कंपनी है कहाँ पे, कैसे आपको इस कंपनी के गेट तक पहुंचना है। देखिए, जिस रास्ते से मैं इस कंपनी के गेट तक पहुंचा हूँ मैं आपको वही एड्रेस बताता हूँ, ताकि आप भी इस कंपनी के गेट तक जल्दी पहुंच सकते हैं, आने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। देखिए, कहीं भी आप रहते हो सबसे पहले आप दिल्ली आइएगा, ठीक है, दिल्ली से नोएडा आइएगा, नोएडा सेक्टर 37, ठीक है, नोएडा सेक्टर 37 आपको सूरजपुर आ जाना है। नोएडा सेक्टर 37 से सूरजपुर की दूरी है 22 किलोमीटर, ठीक है। सूरजपुर से आपको कासना आना है, ठीक है, सूरजपुर से कासना की दूरी है 12 किलोमीटर। कासना से आपको हायर कंपनी जाना है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले रहेंगे, आपको उन ऑटो वालों को बोलना है कि मुझे हायर कंपनी जाना है, ठीक है, वहाँ से आपको 30 रुपये लेंगे, ठीक है। वहाँ से कासना से आपको हायर कंपनी की दूरी है 7.4 किलोमीटर, ठीक है, तो आपको वहाँ से 30 रुपये चार्ज लेंगे, आप आराम से इस कंपनी के गेट तक पहुँच जाइएगा, ठीक है। एड्रेस आपको कंफर्म हो गया, ठीक है, अगर आप और भी डिटेल में इस कंपनी का एड्रेस जानना चाहते हैं तो मैं आपको एड्रेस पूरे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप इस कंपनी के गेट तक जल्दी आराम से पहुँच जाइएगा। तो एड्रेस तो आपको कंफर्म हो गया कि कैसे आप इस कंपनी के गेट तक पहुँच सकते हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं आपको इस कंपनी में काम क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इस कंपनी में काम क्या होता है। इस कंपनी में आपको जॉब लग जाती है तो आपको काम क्या करना पड़ेगा आप ये जान लीजिए। देखिए, इस कंपनी में AC बनाया जाता है, कूलर बनाया जाती है, फ्रिज बनाया जाता है, वॉशिंग मशीन बनाया जाता है, गीजर बनाया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम किया जाता है। किसी डिपार्टमेंट में AC बनाया जाता है, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में कूलर, गीजर, वॉशिंग मशीन, यही सब बनाया जाता है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट चूज़ किया जाता है कि आपको उस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट का लायक हो तो आपको उसी डिपार्टमेंट में आपको डाला जाएगा। इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आप किस चीज़ से इंटरेस्टेड हो, आपको इस कंपनी में इस कूलर पहले आप रिपेयर किए हो नहीं किए हो, वॉशिंग मशीन आप पहले रिपेयर किए हुए नहीं, कुछ नॉलेज वगैरह आपके पास है या नहीं है, उस अनुसार से आपको डिपार्टमेंट में डाला जाता है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी की ओर से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है, ठीक है, ड्यूटी टाइमिंग क्या है। सैलरी बताने से पहले आप ये जान लीजिए कि कंपनी की ओर से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है, ड्यूटी टाइमिंग क्या है ये आप जान लीजिए। देखिए, कंपनी की ओर से आपको बस और कैंटीन फ्री दी जाती है, ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप नोएडा में कहीं पर भी रहते हो, जैसे सूरजपुर रहते हो, भंगेल रहते हो, कासना में रहते हो, परी चौक रहते हो, कहीं पर भी रह रहे हो तो आपको आने जाने के लिए कंपनी बस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। आपका अगर लंच और डिनर, अगर आपको शिफ्ट चेंज होता है, जैसे 15 दिन पर शिफ्ट चेंज होती रहती है, ठीक है, नाइट डे आपको होती रहेगी, तो उसके अनुसार आपको लंच और डिनर प्रोवाइड किया जाएगा, इसका भी कोई चार्ज नहीं है, कंपनी की ओर से आपको फ्री दी जाती है, ठीक है। ड्यूटी टाइमिंग इसका 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक है, ठीक है, तो उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा करते तो आपको ओवर टाइम में लग जाता है, लेकिन ओवर टाइम फिलहाल इस कंपनी में बहुत कम चल रही है, लेकिन इस कंपनी में ओवर टाइम ऐसा नहीं कि नहीं चलती, ओवर टाइम चलती है क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, AC कूलर फ्रिज का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, तो ओवर टाइम कंपनी चलाती है। अभी इस कंपनी में ओवर टाइम चल रही है फिलहाल, ठीक है, तो ओवर टाइम भी चाहते हो तो आप लगा सकते हो, वरना मत लगाइएगा। ऐसे आपकी 8 घंटे की जो भी सैलरी हो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ड्यूटी टाइमिंग और कंपनी की ओर से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है ये आप जान गए, आपको ये तो कंफर्म हो गया। देखिए, अब मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी वही फ्रॉड हो जो और लोगों के साथ हो रखा है। देखिए, हायर कंपनी जो है न्यू प्लांट बैठी है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू भर्ती होती है, लेकिन इस कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू भर्ती तो होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्रॉड कॉन्ट्रेक्टर जो कंपनी के थ्रू नहीं है वो अलग से अपने आप को कॉन्ट्रेक्टर बताते हैं, वो लोगों जो जॉब के लिए लड़के आए हुए रहते हैं उनसे पैसे मांगते हैं, ठीक है,
ठीक है, उनसे मतलब पैसे मांगते कि इस कंपनी में मैं आपको जॉब लगा दूंगा, आप मुझे 2,000-3,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको इस कंपनी में जॉब लगा देंगी। वो कंपनी के थ्रू मतलब कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहते हैं, वो कहीं और से आए हुए रहते हैं, वो लोग फ्रॉड रहते हैं, ठीक है, झूठ मूठ को अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, वो जो मतलब लड़के जो आए हुए रहते हैं जॉब के लिए, उनसे पैसे ले लेते हैं और बोलते हैं कि मैं इस कंपनी में आपको जॉब लगा दूंगा, अब मैं आपको आप मुझे 2,000 रुपये दीजिए, मैं आपको जॉब लगाने की गारंटी लेता हूँ। वो लोग आपको जॉब नहीं लगाएंगे, आपसे पैसे लेकर खा जाएंगे, ठीक है, वो लोग मतलब कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहते, तो आपसे जो भी पैसा मांगता है आप उनको पैसा 1 रुपया भी मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहते हैं, ठीक है, वो फ्रॉड लोग रहते हैं जो आपसे पैसा मांगते हैं। देखिए, हायर कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो ठेकेदार रहते हैं, वो आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेते हैं, ठीक है, जो कंपनी के ठेकेदार होते हैं वो आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेंगे, और जो कंपनी के मतलब जो फ्रॉड लोग रहते हैं वही आपसे पैसा मांगेंगे, ठीक है। कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर आपसे 1 रुपया भी पैसा नहीं मांगेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे, इंटरव्यू करवाएंगे और आपको जॉब दिला देंगे, ठीक है, और जो फ्रॉड लोग रहेंगे वो आपसे पैसा मांगेंगे, और पैसा जो मांगते हो समझिए कि वो फ्रॉड, ठीक है, क्योंकि कंपनी की ओर से आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता है, वो फ्री आपके निःशुल्क है, ठीक है, भर्ती आपकी निःशुल्क है, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जॉब वैकेंसी के बारे में, कि इस कंपनी में वैकेंसी चल रही है या नहीं चल रही है। देखिए, जिस दिन मैं इस कंपनी के गेट पे गया था, मैं उस कंपनी में पहली बार गया था, लेकिन इस कंपनी में मुझे पहुंचने में बहुत लेट हो गया था, लेकिन मैं इस कंपनी के गार्ड से कुछ क्वेश्चन वगैरह किया कि इस कंपनी में वैकेंसी चल रहा है या नहीं चल रहा है, सैलरी क्या है। तो देखिए, मुझे गार्ड जो बताया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस कंपनी में वैकेंसी तो चल रहा है, लेकिन इस कंपनी में सारे लोग ऐसा नहीं कि आप जाते इस कंपनी में आपको जॉब लग जाएगी, ठीक है। जाते इस कंपनी में जॉब कब लग रही थी, जब न्यू कंपनी जब ओपन हुआ था, कि कंपनी मतलब न्यू प्लांट है, तो जब न्यू प्लांट जैसे ही बैठी थी उस समय इस कंपनी में बहुत सारे मात्रा में वैकेंसी चल रही थी, क्योंकि बहुत सारे लड़कों की जरूरत थी कंपनी के, तो आप जैसे इस कंपनी के गेट पर जा रहे थे आपको हैंड टू हैंड उसी समय इंटरव्यू कराकर और ज्वाइनिंग हो जाती थी। लेकिन अब इस कंपनी में सीट फुल हो गया है, वैकेंसी चल रही है, लेकिन जॉब उनकी लग रही है जो इस कंपनी में जिनकी लिंक है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर किसी के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, किसी के रेफरेंस से आ रहे हैं, जिसकी इस कंपनी में किसी कारण मतलब कॉन्ट्रैक्टर से लिंक वगैरह हो रखा है, जो मतलब किसी को जानते हैं, तो किसी के रेफरेंस से आ रहे हैं, उनकी इस कंपनी में अभी जॉब लग रही है, ठीक है। अगर आप इस कंपनी के गेट पर जाते हो जॉब वैकेंसी के लिए, तो आप इस कंपनी की आपको मतलब जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस दिन मैं इस कंपनी के गेट पर गया तो उस दिन बहुत सारे लड़के इस कंपनी के गेट पर खड़े हुए थे, लेकिन उनमें से उन्हीं लोगों को लिया गया जो किसी के रेफरेंस से आए हुए, ठीक है, जिसको मतलब इस कंपनी में किसी को जानते हो, किसी के इस कंपनी में लिंक हो, उन्हीं को मतलब कॉन्ट्रैक्टर ले रही थी, ऐसे इस कंपनी में वैकेंसी अभी नहीं चल रही है, ठीक है। तो ध्यान, आप इस कंपनी में, मैं तो कहूँगा कि आप इस कंपनी में अभी मत जाइए, क्योंकि इस कंपनी में वैकेंसी नहीं चल रही है। चल रही है अगर आप इस कंपनी में आपका कोई लड़का मतलब कोई अगर काम कर रहा होगा, तो आप उनके थ्रू इस कंपनी में अगर कॉन्ट्रैक्टर से बात करके जाते हो, तो आप इस कंपनी में आपको जॉब लग जाएगी। ऐसे इस कंपनी के गेट पर आप जाते हो, तो आपको इस कंपनी के बाहर कोई वैकेंसी बताया जाएगा कि इस कंपनी में कोई वैकेंसी नहीं चल रही, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इस कंपनी में जॉब के लिए मत जाइए, क्योंकि इस कंपनी में वैकेंसी अभी नहीं चल रही है। इस कंपनी में वैकेंसी कब चलती है, जब देखिए होली में चलती है, दिवाली में चलती है, छठ पूजा में चलती है, इस सब त्यौहार में बहुत सारे लड़के गांव चल जाते हैं, उस समय लड़कों की ज़रूरत हो जाती है, तो कंपनी उस समय जो भी लड़के कंपनी के गेट पे जाते हैं, तो उस समय आपको इस कंपनी में जॉब लगने की गारंटी रहती है। लेकिन अभी इस कंपनी में आप जाइएगा तो आपको इस कंपनी में जॉब नहीं लगेगी, आप इस कंपनी में जाकर आराम से मतलब जाने से कोई फ़ायदा नहीं, आप बेकार में जाइएगा, घूम कर आइएगा, ठीक है। बहुत सारे आपको यूट्यूबर मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि आपको 12,000 सैलरी दी जाती है, 14,000 सैलरी दी जाती है, इस कंपनी में वैकेंसी चल रहा है। मैं इस कंपनी के गेट पे खुद गया हूँ, इन्फॉर्मेशन लिया हूँ, इस कंपनी में कोई वैकेंसी नहीं चल रही। जो भी यूट्यूबर अभी आपको बता रहे कि इस कंपनी में वैकेंसी चल रही है, वो आपको गलत बता रहे, गलत जानकारी दे रहे, क्योंकि मैं इस कंपनी के गेट पे गया था और पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस कंपनी के, मैं आपको झूठ बता दूँ कि आप इस कंपनी में वैकेंसी चल रहा है, आप परेशान हो कि इस कंपनी के गेट पर जाते हो वहाँ पे आपको जॉब कोई भी वैकेंसी नहीं नज़र आएगा, तो आप आकर मुझे कमेंट कीजिएगा, गलत मैं जानकारी देना नहीं चाहता, ठीक है। कि आप मैं जानता हूँ कि आपको इस कंपनी में जॉब नहीं लगेगी, तो मैं आपको गलत जानकारी देने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप खामोखा परेशान हो जाइएगा, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर जो आपको बताते हैं वो व्यू के लिए बताते हैं, ठीक है, इस कंपनी में वैकेंसी चल रहा है, आप जाइएगा, कोई वैकेंसी नहीं। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे एक लड़के, ये किसी के रेफरेंस से आए हुए, ठीक है, क्योंकि इस कंपनी में अगर वैकेंसी चलता तो बहुत सारे लोग इस कंपनी में गेट के सामने रहते हैं, जो मैं आपको और भी वीडियो में मैं दिखाता हूँ, लेकिन इस कंपनी में रेफरेंस से ही लगता है, ठीक है। ऐसी इस कंपनी में कोई जॉब वैकेंसी नहीं चलता है, आप खामोखा जाइएगा, परेशान हो जाएगा। मैं तो कहूँगा आप
इस कंपनी के गेट पे मत जाइएगा, ठीक है। अगर आप इस कंपनी के गेट पे चल भी जाते हो लेकिन आने के लिए आपको कोई टेम्पो भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस कंपनी में मतलब जो भी टेम्पो वगैरह है वो इस रूट पे नहीं चलता, ठीक है। अब मैं इस कंपनी के गेट पे तक पहुंच गया, आने के लिए मुझे ओला बुक करना पड़ा, मैं ओला से इस कंपनी मतलब यहाँ से फिर कास्तन तक पहुँचा, ठीक है। तो आप इस कंपनी के गेट तक तो पहुंच जाते हो, आने में भी आपको परेशानी हो जाएगी, ठीक है। सैलरी की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए इस कंपनी में आपको 8 घंटे की जो सैलरी है वो 91 लगाई जाती है और ओवर टाइम आपको 88 रुपये ओवर टाइम लगाया, लेकिन 1 अप्रैल से आपको सैलरी में थोड़ी इंक्रीज़ कर दी गई है। आपको 8 घंटे की सैलरी 96 लगाई जाती है, प्लस में आपको 91 रुपये ओवर टाइम दिया जाता है, ठीक है। हेल्पर की सैलरी आपको 91 ही लगती है, ठीक है। उसके अलावा अगर ITI डिप्लोमा वगैरह लगा रखे हो, ऑन रोल मतलब डायरेक्ट आप कंपनी के थ्रू से इंटरव्यू देते हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के हाथ नहीं लगते हो, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू से अगर इंटरव्यू किसी के रेफरेंस से होती है तो आपको सैलरी इंक्रीज होती है, ठीक है, 12-13-14 हज़ार लगती है, लेकिन ऐसे आपको 91 सैलरी है और 88 रुपये आपको ओवर टाइम दिया जाता है। उसके अलावा आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस कंपनी में जैसे ही मतलब गेट से वैकेंसी लगी, बहुत सारे लोगों की जैसे ही लगी, तो मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी इस कंपनी के गेट पे मत जाइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।